हेलो फ्रेंड्स, मैं संतोष आसनसोल वेस्ट बंगाल से रिदमिक इक्विपमेंट की तरफ से हूँ। फ्रेंड्स, आज का हमारा जो वीडियो है वो एक साउंड टेस्टिंग वीडियो है। मैंने आज से 2 महीने पहले 2 स्पीकर्स के रिव्यू किए थे, जिसमें से एक स्पीकर था हमारा Q1 का 400 वाट, जो कि 15 इंच का स्पीकर था, और दूसरा था सेफ्रॉन ऑडियो 15 इंच का, वो था 450 वाट का स्पीकर। अब आप लोग बोलेंगे कि भैया सेफ्रॉन ऑडियो का मैंने नाम नहीं सुना, तो फ्रेंड्स, हर एक ब्रांड हर एक कस्टमर के लिए पहला दिन नया ही होता है, उसके बाद मार्केट में सेल बढ़ता है, लोग जानते हैं ये भी कोई ब्रांड है। तो मेरे पास 2 स्पीकर्स हैं, दोनों का मैंने रिव्यू किया था, Q1 का 400 वाट और सेफ्रॉन का 450 वाट। तो दोनों ही स्पीकर 3 इंच वॉइस कॉइल में है, और रिव्यू के दौरान मैंने आपको कहा भी था कि उस समय हमारे वेस्ट बंगाल में लॉकडाउन था, तो साउंड टेस्टिंग वीडियो नहीं हो पाई थी। तो आज का हमारा जो वीडियो है वो साउंड टेस्टिंग वीडियो है, और साथ ही एक कंपैरिजन वीडियो है Q1 वर्सेस सेफ्रॉन ऑडियो। तो यहाँ आप मेरे सामने देख सकते हैं, यहाँ मेरे लेफ्ट हैंड साइड Q1 का स्पीकर है और मेरे राइट हैंड साइड सेफ्रॉन ऑडियो का स्पीकर है, और ये आप देख सकते हैं, ये आप मैं आपको क्लोज लुक दिखाता हूँ। ये आप देख सकते हैं Q1 का 400 वाट का स्पीकर है, ये 15 इंच का स्पीकर है, और ये मेरा इस साइड देखिए सेफ्रॉन ऑडियो का स्पीकर है। आप स्पीकर की फिनिशिंग देखिए कैसी फिनिशिंग है, और मैं इस स्पीकर की भी फिनिशिंग आपको दिखाता हूँ। अब सबसे पहले हम लोग ओपन एयर में इसकी टेस्टिंग करेंगे, उसके बाद देखिए मेरे राइट हैंड साइड ये कैबिनेट है जिसमें हमने स्पीकर लगा के रखा है, बस ये स्पीकर इस वाले कैबिनेट में हम लोग फिट करेंगे, उसके बाद हम लोग कैबिनेट में ये कैसा बजता है उसकी भी टेस्टिंग मैं आपको दूंगा, और ओपन ईयर में ये कैसा बजता है उसकी भी टेस्टिंग आप लोग अभी वीडियो में देखेंगे। हाँ, तो फ्रेंड्स, अभी हमारे स्पीकर की ओपन टेस्टिंग होगी और वॉल्यूम सेम रहेगा। यहाँ हम लोगों ने V4000 से हम लोग यूज कर रहे हैं इस वीडियो में, और ये यहाँ पर वॉल्यूम फुल है, यहाँ पर हमारा फिक्स है वॉल्यूम। अब हम लोग देखते हैं, म्यूज़िक को ऑन करते हैं और देखते हैं दोनों स्पीकर के अंदर क्या डिफरेंस है, और आप प्लीज़ हेडफोन का यूज़ करें और अपना ओपिनियन ज़रूर दें कमेंट बॉक्स में कि आप लोगों को दोनों में से कौन सा स्पीकर अच्छा लगा, और इस वीडियो में मैं आपको प्राइस की डिटेल्स भी आपको दूंगा। तो देखिए हम लोग का साउंड टेस्टिंग का वीडियो। DJ Christian, Live Air Remix. Preparing and initiating bass test. Sound system activated. Initiating sound check. DJ Christian, Live Air Remix. Preparing and initiating bass test. फ्रेंड्स, ये आप लोगों ने देखा ओपन एयर स्पीकर की टेस्टिंग। अब इस स्पीकर को हम लोग इस कैबिनेट में फिट करेंगे, और कैबिनेट में फिट करने के बाद हम देखेंगे कि हमारा ये स्पीकर इस कैबिनेट में कैसा बजता है। हाँ, तो फ्रेंड्स, हमारा जो स्पीकर है वो हो चुका है हमारे कैबिनेट में फिट, और ये आप देख सकते हैं इसमें हम लोगों ने देखिए ये खाली डब्बा है, ये 2 स्पीकर Q1 का 15 इंच 400 वाट हमने लगाया है, और इसमें हमने ऑडियो टोन का AD513 मॉडल का HF यूज किया है, और इसके साथ ही हमने HF में ATI Pro का नेटवर्क लगाया है, मैं वो भी दिखाता हूँ। और नेटवर्क इसमें सिर्फ HF में है, और स्पीकर विदाउट किसी नेटवर्क के है, ताकि आपको इसकी क्वालिटी समझ में आ जाए। अब मैं बात करता हूँ इसमें, तो इसमें हमारा ये आप देख रहे हैं सेफ्रॉन ऑडियो का स्पीकर लगा हुआ है, और इसमें भी हमने सेम HF यूज किया है, और अब मैं आपको नेटवर्क दिखाता हूँ कि हमने क्या नेटवर्क यूज किया है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं ATI Pro का 450 नेटवर्क हम लोगों ने यूज़ किया है, दोनों ये आप ये एक हो गया, ये आप दूसरा देख सकते हैं, और फिर डायरेक्ट हमारे एम्पलीफायर में ये वायर चली जा रही है। और अब हम लोग साउंड टेस्ट करते हैं और देखते हैं हमारी साउंड की क्वालिटी कैसी है। सबसे पहले हमारे चैनल 2 पे है Q1 का, तो सबसे पहले हम लोग Q1 की टेस्टिंग करेंगे। Initializing sound system. Sound system activated. Initiating sound check.
Nightmare Remix. Preparing and initiating base test. Initializing sound system. Sound system activated. Initiating sound check. DJ Christian, Nightmare Remix. Preparing and initiating bass test. फ्रेंड्स हो चुकी है हमारे दोनों कैबिनेट्स की साउंड टेस्टिंग और अब मैं थोड़ी दूरी पे जाऊंगा और दूरी पे जाने के बाद हम लोग देखेंगे कि लॉन्ग थ्रो कैसा है इस कैबिनेट्स में और ये स्पीकर आप लोग कैसा लगा आप लोग को प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर Q1 आप यूज कर रहे हो तो भी बताएं और अगर आपके पास किसी मेरे किसी भी सब्सक्राइबर के पास अगर सेफ्रॉन ऑडियो हो तो वो भी अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में दे ताकि जो लोग नए हैं इस चैनल पे उनको पता चले कि दोनों स्पीकर्स की क्वालिटी कैसी है। अब हम लोग चले जाते हैं दूर और उसके बाद हम लोग देखते हैं साउंड की क्वालिटी कैसी है। को बंद है, पैन मिडिल में है, वॉल्यूम भी दिया हुआ है, ये गेन इतना है और हम लोग मिक्सर के साथ कोई छेड़खानी नहीं कर रहे हैं और बस हम लोग एम्पलीफायर का वॉल्यूम फुल कर रहे हैं। तो आप ये भी नहीं बोल सकते कि हमने किसी एक ब्रांड को प्रमोट किया है या दूसरे को हमने नीचे करने की कोशिश की है। अब हम लोग साउंड टेस्टिंग करते हैं और थोड़ी दूरी पर चले जाते हैं, उसके बाद देखते हैं हमारा प्रेशर कैसा है। अभी हम लोग Q1 की टेस्टिंग करेंगे। हमारा Q1 की टेस्टिंग, अब हम लोग देखते हैं सेफ्रॉन ऑडियो में हमारे साउंड की क्वालिटी कैसी मिलती है। अब बजाएंगे हम लोग सेफ्रॉन ऑडियो को। इनिशियलाइजिंग साउंड सिस्टम। साउंड सिस्टम एक्टिवेटेड। इनिशिएटिंग साउंड चेक। J. Christian, Nightmare Remix. Preparing and initiating base test. फ्रेंड्स आप लोगों ने दोनों स्पीकर की साउंड क्वालिटी को सुना और अगर आप एक 15 इंच 400 से 500 वाट स्पीकर की तलाश में हैं तो इन स्पीकर के साथ आप जा सकते हैं। और आपको इस साउंड टेस्टिंग का वीडियो कैसा लगा और इन दोनों ब्रांड्स में अच्छी क्वालिटी आपको किस में मिली ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी राय दें ताकि जो लोग चैनल पर नए हैं उनको समझ में आए। और अगर बात करूँ मैं अपने ओपिनियन की तो Q1 में बेस ज़्यादा मिल रहा था लेकिन जब ज़्यादा लाउड हो रहा है तो हल्का साउंड क्रैक हो जा रहा है, लेकिन सेफ्रॉन ऑडियो में हमें वो देखने को नहीं मिला। सेफ्रॉन ऑडियो में क्या हो रहा है, लॉन्ग थ्रो भी मिल रहा है और बेस का जो पंच है वो बिल्कुल पकड़ के बज रहा है। तो अगर आप सेफ्रॉन परचेज़ करना चाहते हैं तो डेफिनेटली कर सकते हैं, ये अपने बजट में बहुत ही अच्छा स्पीकर है। अब हम लोग बात करते हैं इन दोनों स्पीकर्स की प्राइस की। तो ये जो Q1 का स्पीकर है, Q1 का स्पीकर आई होप आपको 3600 से लेके 4100 के बीच में पूरे ऑल ओवर इंडिया कहीं भी मिल जाएगा। और हम लोग बात करते हैं अब सेफ्रॉन ऑडियो की प्राइस की। तो सेफ्रॉन ऑडियो का स्पीकर हमें 4300 से लेके 4700 रुपए के बीच कहीं भी मिल जाएगा। प्राइस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बट अगर आप स्पीकर को ख़रीदें तो आपको डिफरेंस समझ में आएगा कि दोनों स्पीकर में कितना डिफरेंस है।
और फ्रेंड्स, अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो जैसे ही आप लोग मेरे सारे वीडियो को लाइक और शेयर करते हैं, वैसे मैं आपसे उम्मीद करूँगा कि मेरे इस वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और लाइक करेंगे और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे, ताकि मेरी जो नई वीडियो हो वो आप तक सबसे पहले पहुँचे। और मेरे वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।